और मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विषैला गेहूं सांप निकला और इधर उधर भागने लगा। इससे सर्किट हाउस के कर्मी दहशत में आ गए। सांप बार बार अंदर कमरे और हॉल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। कर्मी किसी तरह उसे भगाने में लगे थे, लेकिन वह सांप वहां से दूर नहीं भाग रहा था और उसी आसपास मंडराने लगा। कर्मियों को डर हो गया कि कहीं वह अंदर चला जाएगा तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। और इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर उस सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम के कोऑर्डिनेटर अजनीश कुमार ने बताया कि सांप की लंबाई करीब 5 फीट होगी। अधिक ठंड होने की वजह से वह बाहर निकल गया था। टीम उस सांप को रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर चली गई। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी पिछले साल बारिश के मौसम में सर्किट हाउस में विषैला सांप निकला था और उसे भी वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया था।